नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नंदन वन में वर्ष 2023 का चतुर्मास कर रहे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासना युग प्रधान अनुव्रत यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाशमन जी की मंगल सुनिधि में शनिवार को अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन जीवन विज्ञान दिवस के रूप में समायोजित हुआ। युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी ने तीर्थकार राम वसरण में आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में समुपस्थित जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि मानव अनेक चित्तों वाला होता है। मानव शरीर स्थूल व अस्थाई है, उसके भीतर व्याप्त आत्मा मूल है और वो स्थाई होती है। आत्मा और शरीर का सम्मिश्रण ही जीवन है। आत्मा और शरीर के योग से अनेक प्रक्रिया भी होती है। आदमी कोई काम करता है, कभी विचार करता है, खाना खाता है, पढ़ता है आदि अनेक कार्य करता है। आदमी में बुद्धि का होना अच्छी बात है, बुद्धि होनी अच्छी बात है, तो बुद्धि की शुद्धि होना परम आवश्यक होता है। शुद्ध बुद्धि कामधेनु के समान होती है। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत जीवन विज्ञान दिवस है। जीवन विज्ञान आदमी को बुद्धि और ज्ञान के विकास के साथ ही भावनात्मक विकास की प्रेरणा देने वाला है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक विकास भी होता है, तो वो विकास पूर्ण होता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, राग, द्वेष, ये सभी भावनात्मक विकृतियां हैं। इन विकृतियों को दूर कर अभय और विनय के भाव का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन विज्ञान विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थी अपने जीवन में केवल अंक पाने की अभिलाषा नहीं, ज्ञानात्मक विकास की अभिलाषा करें। अध्ययन अच्छा हो, सद्गुणों का विकास हो, ज्ञान के साथ साथ चरित्र का विकास हो, तो बहुमुखी विकास हो सकता है। अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण होगा तो परिवार, समाज, राष्ट्र और कभी विश्व के लिए भी उपयोग हो सकते हैं। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के उपरांत अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के सहमंत्री मनोज सिंधी व मुंबई अनुव्रत समिति के अध्यक्ष रोशनलाल मेहता ने अपनी प्रस्तुति दी। दूसरी ओर आचार्य श्री की मंगल सानिधि में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में 48वें राष्ट्रीय महिला अधिवेशन क्षितिज का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही आचार्य श्री की मंगल सुनिधि में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आचार्य तुलसी कृतव्य पुरस्कार वर्ष 2023 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा को प्रदान किया गया है। सूरज बरड़िया ने श्रीमती शर्मा का परिचय प्रस्तुत किया और श्रीमती सुमन नाहटा ने प्रशस्ति पत्र का वाचन किया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष नीलम सेठिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। शर्मा को अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के पदाधिकारियों व पुरस्कार के प्रायोजक और देवराज मूलचंद नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों आदि ने पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आचार्य श्री के समक्ष अपने कृतज्ञ भावों को अभिव्यक्त किया। आचार्य श्री ने उन्हें पावन आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि दुनिया में भाग्यवाद और कर्मवाद दोनों होते हैं। आदमी को सत्पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। योग्य व्यक्ति को पुरस्कार देने से पुरस्कार के साथ भी न्याय होता है और विकास की बात भी हो सकती है। महिला समाज का भी धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। मूलचंद नाहर ने भी आचार्य श्री के समक्ष अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, तो आचार्य श्री ने उन्हें पावन आशीर्वाद प्रदान किया।